यहाँ पे अपन ने जस्ट गोप्रो अपने हाथ में लिया था भाई, ये क्या कर लिया यार। अपने कैमरे के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी, देख सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे है अपने साथ हीरो 10 का बैग, जिसको करेंगे अभी अपन अनबॉक्स। काफी अपना काम करवा दिया, तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, यहाँ पे गुड आफ्टरनून हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2:40 यहाँ पे हो चुके हैं, तारीख 1। गणपति जो है सब जगह बैठ चुके हैं, अपने घरों में भी जो है बैठ चुके हैं। तो नोनी का जो है सोने का उठने का शेड्यूल जो है काफी बेकार हो चुका है। ऑलमोस्ट जो है सुबह 5 से 6 बजे तक जो है नोनी डेली के डेली जो है सोता है, एंड उठते उठते जो है 1-2-3 जो है बज जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी जो है 2:40 हो चुके हैं, ऊपर रूम में जाएंगे देन 3 बज जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ जो है नोनी का शेड्यूल हो चुका है। पैसे की इनकम एंड कुछ भी नहीं है लाइफ में अभी फिलहाल, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी है। बट कोई नहीं, 1 तारीख हो चुकी है, गणपति बप्पा जो है आ चुके हैं सब जगह अपने घर में भी, तो सब कुछ सही कर देंगे। 7 दिन जो है गणपति के सुबह, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ऐसा मेरे को सुनने में मिला है, तो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। काफी सालों बाद जो है ऐसा मुहूर्त आया है जो कि 7 दिन जो है गणेश जी के सुबह है। तो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर किसी काम में आपका दिल लगता है तो जरूर करिए। तो नोनी भी वही कर रहा है ब्लॉगिंग जिसमें उसका दिल लगता है। तो डूड ऊपर वाले रूम में जो है चलते हैं, सबसे मिलते हैं, घर वालों को अपनी शक्ल दिखाते हुए, क्योंकि अपने रूम में ही लेटा रहता हूँ, सोता रहता हूँ। कुछ भी काम होता है देन यहाँ से गाड़ी निकाल के डायरेक्ट जो है मैं निकल जाता हूँ, तो मम्मी पापा बहन किसी से भी जो है नहीं मिल पाता हूँ, तो जिसकी वजह से अभी अपन ऊपर चलते हैं, सबसे मिलते हैं। भैयों को दिखाता हूँ मैं अपने, जो कि मस्ती करता रहता है डेली, एंड जो अपने घर में गणेश जी बैठे हैं डूड, उनको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने के लिए अपन को जो है टोटल यहाँ पे इस तरीके की 14 सीढ़ी जो है कवर करनी पड़ती है। पुटिन जी ने चढ़ने के बाद अपन जो है ऊपर आ जाते हैं इस तरीके की लोकेशन से। इस तरफ रूम है, एक रूम इस तरफ है, इधर है किचन वाला, इधर है टीवी वाला, इधर मिलेंगे सब लोग आपको, भैयू अपनी पूरी फैमिली। कैमरा खाएगा। सीन कुछ ऐसा है कि बड़ा वाला भैयू जो है सो चुका है, छोटा वाला जो है वहाँ पे खेल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, एंड जैसे कि बोला था गणेश जी से मिलवाऊंगा। दूध ले रहे हैं अपने गणेश जी, जो कि अपन कल लेकर आए थे, एंड कल शाम को जो है अपन ने इनकी स्थापना की, पूजा वगैरह सब कुछ की। तो चलिए अपने गणेश जी को कुछ सिनेमेटिक शॉट बनाकर आपको दिखाता हूँ, देन जो है मैं वापस आके इस वीडियो का काम करते हैं। तो चलिए तरीके से चल रही टीवी, पूरी फैमिली जो है टीवी देख रही है, छोटा वाला भैया मम्मी सो रहे हैं। एंड आज की वीडियो में आपको हीरो 10 दिखने वाला है, कैसे क्या सीन है सारी वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखिए, बिना स्किप करे लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थोड़ी देर में चेंज करके उन्होंने निकलेगा, हेलमेट पे गोप्रो करेगा माउंट एंड कंटिन्यू करेगा इस वीडियो को। तो चलिए A few moments later. यहाँ पे जो है नोनी ने पहनी है ब्लैक कलर की टी शर्ट, थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा खाया, ज्यादा जो है सो के उठने के बाद भूख नहीं लगती, तो निकाल लेते हैं स्कूटी, हेलमेट पे जो है गोप्रो माउंट कर लिया, इसको अपन पहन लेते हैं सर पे और चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए छोटू सीन कुछ ऐसा है कि घर से निकल के अपन को करना था ब्लॉग कंटिन्यू, बट हुआ ऐसा है कि अपन को किसी को ड्रॉप करना था भानपुर, जस्ट अभी अपन ने जो है भानपुर ड्रॉप कर दिया, जिसको भी करना था उसको कैमरे में नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने घर से निकल के जो ब्लॉग को जो है कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी जस्ट अपन ने क्रॉस कर दिया भानपुर, देन मेनाल होती है, चलना अपन को इंद्रपुरी। क्यों जा रहे हैं, क्या सस्पेंस है, कैसे क्या सीन है, सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, बस वीडियो बिना स्किप करें लास्ट तक देखिए। जैसे कि सीन चलता रहता है, नोनी ऑलमोस्ट वीडियो में अपना बोलता रहता है कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रही है, ये लाइफ में परेशान चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ। तो नोनी ने एक प्रॉमिस खुद को करा है आज, कि आज से एक भी वीडियो में नोनी जो है पैसों को लेकर कोई बात नहीं करेगा, प्रॉब्लम से लेकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम चलेंगी पैसों से लेकर है, हर चीज से लेकर, बट जो है उन प्रॉब्लम को फेस करके अपन आगे चलेंगे। एंड ज्यादातर वीडियोज में भी ऐसा होने लगा था, पैसे की मैं बहुत बात करने लगा था, अपनी प्रॉब्लम आपको बताने लगा था, जो कि सही भी एक तरीके से, बट जो है उस चीज़ को मैं ज़्यादा करने लगा था, जिस चीज़ को मुझे कम करना चाहिए, तो वो चीज़ अब मैं अपने वीडियो में नहीं लेकर आऊँगा। जो भी प्रॉब्लम चलेगी पैसों से लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर वो चलती रहेगी, बट उन चीज़ों की बातें मैं अपने ब्लॉगिंग में नहीं करूँगा। अपन को चलना है इंदौरपुरी, बट जो है सबसे पहले अपन करा लेते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल अप, जो कि पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे अपने। Look.
क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल था 108 रुपए लीटर जो कि अपने भोपाल में चल रहा है फिलहाल। क्योंकि ठीक को जैसा है कि हीरो 10 को लेकर माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, सोच रहा हूँ अभी आपको बता दूँ बट जो है मैं भी थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ पर रखा है, जिसके पास रखा है उसके पास चल रहा है अभी। अपन जो भी मिलेगा अपन को इंद्रपुरी में, सामने वाले बंदे से जो है मिलूंगा उसको इस वीडियो में मिलूंगा, इन सारी बात जो है वहीं पहुंच के आप सबसे करूंगा। वीडियो में ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं इंद्रपुरी, डायरेक्ट बंदे से मिलेंगे, बात करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए अपना हैंडल जो है काफी वाइब्रेट होता है अपनी गाड़ी में, पिछला ब्रेक नहीं है अपनी गाड़ी में जो है, पिछले वाले ब्रेक नहीं है, मगर काफी मैं स्पीड में चला रहा था एंड स्पीड में चलाने में एक प्रॉब्लम आती है डूड, गाड़ी का हैंडल जो है ऐसे ऐसे होता है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं काल भी होने लगता है जिसमें जो है गिरने के चांसेस रहते हैं, बट मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा करा। तो डूड ब्रेक का सीन, ब्रेक सिर्फ अगला वाला ब्रेक ही अपनी गाड़ी में, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है सिर्फ अगले ब्रेक से। पिछला वाला ब्रेक आप देख सकते हैं पूरा दबा हुआ है यहाँ पे एंड कुछ काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी सडनली सामने आ जाता है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो मैं जो है अंदर से काफ़ी डर जाता हूँ। अंदर से सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि गए, ऐसा ही लगता है सिर्फ अंदर से, क्योंकि बारिश में ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियों में एक प्रॉब्लम आती है जो कि मेरी गाड़ी में भी है। अगला ब्रेक जो है चिपकता है बारिश में, अगर आपको पता हो तो आगे वाला टायर जो है ब्रेक से चिपकता है। तो ऑलमोस्ट जो है नई से नई पुरानी गाड़ियों में जो है ये वाली प्रॉब्लम आती है जो कि अगला ब्रेक चिपकता है डायरेक्ट लगाने पे। कभी कभी ऐसा लगता है कार और बाइक होने का कोई मेरे को फायदा ही नहीं है, कभी जो है सेटिस्फाइड ही नहीं रहता हूँ मैं उन सब चीज़ों से। अपनी डियो जो है काफ़ी साथ देती है अपन को जो कि बहुत प्यारी है एंड काफ़ी जो है मेरा काम करवा देती है मेरी गाड़ी। तो डूड काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ अपने डियो का एक नाम रखूँ, यानी एक वीडियो में मैंने बोला भी था उसे लेकर, अगर आपके माइंड में कोई भी नाम हो तो ज़रूर बताना अपन डियो का एक नाम रखेंगे एंड काफ़ी मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में। फाइनली एक नाम अपन को मिला यहाँ पे जो कि है पोपुला। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ, हॉलीवुड की एक मूवी है जो कि कार्टून मूवी है जिसका नाम है 10 Year Dragon जो कि कार्टून मूवी है, उनमें एक पोपुला करके ड्रैगन रहता है ब्लैक कलर का, सेम टू सेम जो है अपनी गाड़ी भी ब्लैक है एंड उसका लुक भी जो है काफ़ी मिलता जुलता है, बट थोड़ा ग्राफिक जो है अपन को करवाना पड़ेगा, आँखें वगैरह बनवानी पड़ेगी, सेम टू सेम डिटो वही लगेगा अपनी गाड़ी। सोचा है अपनी गाड़ी का नाम पोपुला रखने का, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। पास से अपनी डियो का नाम है पोपुला तो अपन इसको डियो नहीं बोलेंगे, काफ़ी अपना काम करवा दे दिया, तो थैंक यू सो मच मेरा इतना काम करवाने के लिए एंड मेरा इतना साथ देने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं पुरानी पेट्रोल जो है अभी अपन ने क्रॉस कर दिया है, जैसा भी अपन पहुंच चुके हैं बीमा पर जो कि है इंद्रपुरी में। एंड अगर आप सबने जो है मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप ये वाली लोकेशन रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको पता हो तो अभी अपन कहां पर हैं, किससे मिलने आए हैं। सीन कुछ ऐसा है कि यहां पे अपन ने जस्ट गोप्रो अपने हाथ में लिया था एंड अपने भाई से मिले थे जस्ट अभी, अपने सामने हेलमेट जो कि अपन ने यहां पे रख दिया एंड सामने अपना भाई, और भाई क्या हाल है भाई, ये क्या कर लिया यार। तो सीन कुछ ऐसा है कि डूड, जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो में कि हीरो 10 आपको मिलने वाला है देखने के लिए, तो कैसे क्या सीन है अभी जो है अपने भाई के साथ सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जस्ट अभी अपने सामने गोप्रो हीरो 10 का बैग, इसको करते हैं अनबॉक्स एंड दिखाते हैं आपको कैमरा एंड सारी चीजें। जो हाथ का बोल रहे हो यार, वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, गिर गया था ना, नोनी को सब पता ही है, मेरे को सब कुछ पता है। यहाँ पे है अपने साथ हीरो 10 का बैग जिसको करेंगे अभी अपन अनबॉक्स। अभी अपने सामने है जस्ट GoPro Hero 10 जिसे आप देख पा रहे होंगे एंड इसके साथ आइए एक एक्स्ट्रा बैटरी की आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिक वगैरह भी आई है। अपने पास है अभी GoPro Hero 10 जो कि अपने भाई ने परचेज करा। भाई कितने का लिया अपन ने? भाई ये एक्चुअली 3-4 महीने यूज्ड है, मतलब यूज भी क्या, एक ही ट्रिप पे यूज हुआ था एक बंदे से, भाई उसने शॉक में ले लिया था, तो मेरे को अप्रोक्स 35 का उसका पड़ा है कैमरा, मतलब डील अच्छी मिली थी मुझे और मैंने तुरंत ग्रैब कर ली। तो भाई ने जो है GoPro Hero 10 यहाँ पे परचेस करा जो कि 35 का है, नहीं कितने की प्राइस है? नहीं कुछ 48 कुछ की है, 48 मैंने 50 अप्रोक्स को देखी थी, और एक्स्ट्रा बैटरी भी दी है उसने मुझे। इन काफ़ी एसीरीज जो है भाई को अपने मिल गई है, हीरो 7 में अपन को नहीं मिली थी, काफ़ी केस मिला था इन, बहुत कम एसीरीज जो है अपन को मिली थी केबल वगैरह, बट जो है भाई को यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बैग मिला है, एक एक्स्ट्रा बैटरी मिली है, एक स्टिक मिली है, केबल वगैरह मिली है एंड जस्ट अभी अपने सामने हीरो 10 जिसकी क्वालिटी काफ़ी हाई है, नाइट में भी और दिन की तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ही प्यारी है। हीरो 10 है, अपना 7 है, अपने कैमरे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी। तो उसके कुछ शॉट है जो कि अपने भाई ने अपने घर पे लिए थे, वो मैं हो सकता है आपको इस वीडियो में दिखाऊं। तो भाई कैसे क्या सीन बन गया GoPro लेने का अपना? एक्चुअली क्या कि अभी मेरा हाथ टूटा हुआ था, तो भाई बहुत दिन से माइंड में, और जितने ही मेरे यूट्यूबर फ्रेंड लोग हैं जैसे तुम हुए, तो हाँ भाई ज़्यादा जान खा गई, हाँ भाई मेरे 2-4 दोस्त लोग हैं बोल रहे यार तुम्हारा यूट्यूब पर चैनल है, चीज़ें करा करो, और मैं भी बिजी हो गई तो नहीं कर पा रहा, तो आई वॉज लाइक यार मैं ब्लॉगिंग तो कर ही सकता हूँ,
तो वही मेरे मन में बैठे बैठे दो तीन दिन ही हुए, तो मेरे को वेट किया यार एक गोप्रो ले लेता हूँ, मेरे पास बाइक अच्छी है ही, मैं घूमता तो रहता हूँ, मतलब घूमने जैसे काम के लिए सिलसिले में निकलता ही हूँ मैं, तो क्यों ना वहाँ पर छोटा मोटा ब्लॉग बना के एक बार ऑडियंस से कनेक्ट होने का मौका। तो भाई देखो इस भाई को मैंने इतना बोला था, भाई तेरा यूट्यूब चैनल है, तेरा सब कुछ है, तू भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। भाई ने भी मेरे को बोला था कि मैं भी कुछ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मैंने इसको बोला था कि भाई बिल्कुल देर मत कर, अगर तू सोच रहा है तो फटाफट से एक अच्छा सा कैमरा देख ले एंड इसको परचेस कर एंड साथ में जो है अपन स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग। तो क्या हुआ कि बेसिकली कि मुझे मैंने सर्च किया OLX वगैरह पे चीज़ों पर, तो वहाँ कुछ कैमरे बहुत ही घटिया थे, मतलब लोग अनसेंट पैसा ले रहे हैं और कैमरा खुला भी हुआ इवन कि मैं अभी लेटा ही हुआ था, मैं OLX वगैरह पे देखा मैंने कि यार तो GoPro वगैरह की सीन तो कुछ कैमरे तो बहुत ही घटिया थे, मतलब आप लेना ही नहीं है, है ना, कहीं की किसी की बैटरी फूली हुई है तो किसी का कुछ खुला हुआ है कैमरा, मतलब वाटरप्रूफिंग से पूरे नाम पे तो पूरा खत्म थे एक साथ। मैं चीज़ बोला जैसे GoPro अगर ओपन हो जाता है खुल जाता है तो उसकी वाटरप्रूफ की जो भी चीज़ें रहती है वो खत्म हो जाती है, वो खत्म है, तो पानी में गए तो कैमरा गया खत्म, कैसा सीन वो जब तक पैक है पूरे कंपनी की सील जो रहती है पूरी पैक रहती है जब तक ऐसा वाटर नहीं आता। मैंने अभी जैसे मैंने पढ़ा इसी वेबसाइट पे पढ़ा, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, मैंने काफ़ी लोग फॉरेन वाले लोगों के मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी देखी, सबसे पहली बात तो GoPro कभी भी अगर खुल जाता है तो वाटर प्रूफिंग उतना नहीं होती उसमें, और सेकंड थिंग ये कि अगर तो भी तुम्हारा अगर जो GoPro है वो वाटर प्रूफ, जैसे कंपनी वाटर रेजिस्टेंट कहती है वाटर प्रूफ नहीं कहती, बेसिकली 30 मीटर तक वाटर प्रूफ कहती है, अगर 30 मीटर से नीचे जाता है तो वाटर प्रूफिंग हट जाती है उसकी, प्रेशर पड़ता है जो पानी का जो माइक के ऊपर प्रेशर पड़ता है पानी अंदर चला जाता है ना, ये उसका सीन होता है। पर कुछ लोगों का GoPro मैंने ऐसा भी देखा है जिसका जो नॉर्मल वाटर में क्या हो गया 10-12 फीट में तो GoPro खराब हो गया, GoPro 9 मेरा एक फ्रेंड उसने लिया था उसका GoPro खराब हो गया, और कंपनी एक चीज़ है कंपनी वो क्लेम भी नहीं दे रही उस चीज़ का, मेरे को एक चीज़ समझ हीरो 9 है नया है भाई वाटर प्रूफ तो रहता है GoPro सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाते हैं ना सम प्रोडक्ट में, अब कंपनी 1000 कैमरा बना रही है, हाँ। अब एक ही चीज 1000 कैमरा, एक आध दो चीज़ें कितने अपन भी 19-20 चलता है, हाँ। वो एक आध दो कैमरा नहीं हो सकता है वो उसका उसने डिफेक्टिव पीस ले लिया हो, है ना, या हो सकता है कि एक चीज़ और होती है कि अगर आपका वाटर प्रूफ कंपनी कब तक कहती है अगर आपका जो ये है माउंट है वो प्रॉपर ना लगाओ, अब यहाँ पर सीलिंग के लिए दिया हुआ है ये रबड़ पैडिंग दी हुई पूरी, हाँ। ये वाटर प्रूफ अगर आपने यही ठीक से नहीं लगाया आपका ये आधा खुला हुआ है और फिर आप डालोगे तो कहाँ से वाटर प्रूफ भाई, ये चीज़ भी सही है। प्रोफ एक ही चीज़ कहना है कि भैया इतना अच्छा कैमरा बना दिया सब कुछ बहुत बढ़िया है, हाँ। एक इशू है वो रिजॉल्व कर दो, ये जो हीटिंग करता है और बैटरी वाला इशू ये थोड़ा सही कर दो, और उसकी जो एक्सेसरीज है थोड़ी सस्ती कर दो यार कुछ ज़्यादा तो काफ़ी महंगी। भाई मैंने अपना माइक अडेप्टर देखा जो कि 4500 या 4500 रुपये का था, मैंने अभी तो बजट नहीं है बाद में देखेंगे जब भी लेंगे, माइक तो ऐसा है कि 600-700-800 रुपये में नॉर्मली बोल रहा है, अलग अलग मतलब मिल जाएगा आपको, बट जो है माइक अडेप्टर जो मेन चीज़ है अपनी GoPro की जो कि हेलमेट में माउंट होती है वो 4500 या 4200 रुपये कुछ। भाई ने जो है कुछ फुटेज रिकॉर्ड करी थी अपने Hero 10 से, तो वो मैं उससे अभी अपने मोबाइल में ले लूँगा, देन जो है आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, नीचे उसमें टेक्स्ट कर दूंगा कि ये GoPro 10 की फुटेज है, तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको उसकी क्वालिटी और अपने वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी दोनों के कंपैरिजन में, अपना 7 है और ये 10 है तो भाई बहुत फर्क है दोनों में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भाई थोड़ा बहुत तो आएगा यार, अब 19-20 तो सब में फर्क 19-20 है ना, बट बल्कि जो अगर कंटेंट है आपके पास तो आप GoPro लोग मैंने देखा अच्छे अच्छे ब्लॉगर है वो GoPro 6 तक यूज कर रहे हैं, GoPro जो 5, 6, 7, 8 जो आए हैं ना ये सब इनकी सीरीज बड़ी है, जो क्वालिटी है वो भी वही मैच कर, हाँ सब ये कि जैसे कि इसमें 5K 60 FPS मतलब रिकॉर्ड कर लेता, अब भैया 5K अगर तुम एडिट करने जाओगे तुम्हारे पास तो एक तो पहले 1-2 लाख, 3 लाख का सेटअप होना चाहिए एडिट कम से कम, ये जो हैवी प्रोसेसर के जो लैपटॉप रहते हैं उनमें एडिटिंग होती है, छोटे वाले लैपटॉप में किसी चीज़ में एसेस करेगा तो पूरा हैंग ही हो जाएगा वो, आपको मैं बता दूँ जितने भी लोग एडिट करते हैं वीडियो जितने भी लोग जिनके पास GoPro 10 हो या 9 हो कुछ भी हो ये फुल पोटेंशियल पे कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो 1080p या 2.7K पे इस्तेमाल, जैसे नॉर्मल लोग करेंगे 2.7K इसमें भी चलता है, 4K है इसमें तो GoPro 7 में तो 4K होता है ना भाई, अपना भी 4K पूरा है, 4K में तुम सुनो कभी रिकॉर्ड नहीं करते होंगे तुम 1080p में करते होंगे क्योंकि अपन कन्वीनियंस एडिटिंग करने में इजी हो, अपने पास थोड़ी ना 2-2 लाख रुपए का सेटअप तुरंत एडिट करके या हाँ हो रहा है, भाई से अच्छे से मिलते हैं थोड़ी बहुत बात करते हैं, यहाँ से निकलेंगे चाय वगैरह पीना चलते हैं, यहाँ से निकलेंगे और इस वीडियो को करेंगे जब कंटिन्यू, तो चलिए। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
कुछ ऐसा है कि रात को जो है यहाँ पे 8 बज चुके हैं, कब टाइम निकल गया भाई के साथ पता ही नहीं चला। तो अभी अपन ने इंद्रपुरी में भाई को जो है दुकान पे छोड़ दिया, अब वो जाएगा अपने घर और अपन चलते हैं अपने घर। जैसे कि मैंने बोला था अपन चलते हैं अपने घर, तो अभी अपन जो है आ चुके हैं अपने घर। तो भाई को जो है छोड़ दिया था अपन ने शॉप पे, कब जो है वहाँ पे 8 बज गए, कब जो इतना टाइम निकल गया भाई से बात करते करते पता ही नहीं चला। एंड अपन चाय वगैरह भी पीने गए थे भाई के साथ, जो कि यादव पे अपन ने पी थी, काफी फेमस टी स्टॉल है यादव के नाम से जो कि इंद्रपुरी में है। एंड ये वीडियो था अपना GoPro Hero 10 के ऊपर, जो अपने भाई ने परचेस करा। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो डूड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी नोनी की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलेगा नोनी बहुत ही जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बस ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।